हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज लेवल्स के लेवल जो मैं आपको कल प्रोवाइड करूंगा 17 तारीख को, उससे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल का रिव्यू कर लेते हैं कि जो मैंने आज आपको 15 तारीख को जो कोर्स दी थी, आज जो मैंने आपको 16 तारीख को कोर्स दी थी, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है मार्केट में। ठीक, वेट, इसको थोड़ा हम रिफ्रेश कर लेते हैं पहले। मैंने आपको दी थी 9:23 पे 47,900 PE बाय अबव 394। तो हमारी 47,900 PE मैंने सेलेक्ट करके रखी है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ स्टॉप लॉस वगैरह क्या दिया था, उसके बाद हम देखेंगे कि मैंने वो कॉल क्यों दी थी और उसके पीछे की स्टोरी क्या थी। ठीक, तो मैंने आपको 47,900 PE का था 394 पर बाय करने को, जिसका स्टॉप लॉस था 313 का और टोटल स्टॉप लॉस पॉइंट्स थे हमारे 81 पॉइंट्स के। तो आइए देखते हैं कि मैंने आपको लेवल क्यों दिया था और इसने कितने पॉइंट्स हमें आज दिए। ठीक है, तो ये हमारी 47,900 PE, तो मॉर्निंग में जो फर्स्ट कैंडल बनी थी, तो मैंने आपको फर्स्ट कैंडल में ही आज एंट्री दे दी थी, जो कि ये कैंडल थी। मैं आपको साथ के साथ लेवल्स तो देता हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको उसके बैक की स्टोरी बताता हूँ कि क्यों मैंने कौन से कैंडल पर आपको दी, ताकि आपको भी सीखने में हेल्प हो। ठीक है, तो आप ये देखिएगा क्यों मैंने, क्या हुआ था कि मार्केट ऊपर थी, मॉर्निंग में आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुई। ठीक है, एक मिनट को, पहले पी बताने से पहले मैं आपको बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ, एक सेकंड, 10 मिनट में। ठीक है, आइए तो देखिए, तो पहले तो मैं आपको बैंक निफ्टी समझाता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि पी पे क्या हुआ था। तो मार्केट आज मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुई, 10 मिनट का चार्ट है, इसमें मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर हमारी इनडिसीजन कैंडल बन गई। तो इसको भी एक बार हम राउंड कर लेते हैं। तो मार्केट ओपन होती आज हमारी बनी इनडिसीजन। तो इनडिसीजन का कैंडल का मतलब ये है कि इनडिसीजन का मतलब ये है कि मार्केट में बायर और सेलर जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मार्केट को किस साइड लेकर जाना है, या फिर बायर सेलर कौन किसके ऊपर ज़्यादा हावी है। तो इसमें क्या होता है कि जिस तरफ को ब्रेक करता है उस तरफ को मार्केट में मूव आता है। ठीक है, तो मार्केट गैप अप ओपन हुई, उसके बाद इनडिसीजन हैमर बनी। तो अगर हम यहाँ को जो मैंने कॉल दिया उसमें देखें तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर शो हुई। ठीक है, तो हमने नीचे को शॉर्ट किया, जिसमें मैंने आपको बाइंग के कॉल में बाय करने को कहा था पी में। तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनी है। तो मैंने आज आपको लेवल दिया था इस कैंडल का ही 391, तो मैंने आज लेवल दिया था 394 पर आपको बाय करने को। ठीक, तो ये इसको एक बार हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 394 को आपका बाइंग लेवल था और 3 आपका स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पर जिसने एंट्री करी होगी, तो आज का हाई गया हमारा 765, तो करीब करीब 350 पॉइंट्स का टारगेट हमको अचीव हुआ है। ठीक है, मेरी कॉल में तो इसमें हमें इतना अचीव हुआ है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल के कॉल पर ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, ये तो रही हमारी टेलीग्राम की कॉल, जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो कर सकते हैं। मैं इस पर डेली लाइव मार्केट में अपडेट देता हूँ और अपने व्यूज़ भी आपको साथ बताता रहता हूँ। ठीक है, तो इसके साथ साथ अब हम जो मंथली चार्ट अपना बना रहे हैं उसमें भी देख लेते हैं। इनमें आपको डेली बेसिस पर जो भी कोर्स देता हूं उसके लेवल्स प्रोवाइड जो भी करता हूं, यहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताता हूं। तो आज टोटल 11 डेज वर्किंग में से सिर्फ हमारा एक दिन स्टॉप लॉस हुआ है और 2 दिन हमारी नो एंट्री हुई है। तो आज हमें करीब करीब 382 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 382 पॉइंट अचीव किए होंगे, कोई 50 में निकला होगा, कोई 100 में, पर डेफिनेटली सबका प्रॉफिट ही हुआ होगा आज। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हम जल्दी से कल के लेवल्स की बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ पे किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो इसको हम पहले कर देते हैं लीड। तो मार्केट को हम पहले देखते हैं 1 मंथ के चार्ट में। तो अगर हम मार्केट को 1 मंथ के चार्ट में देखें तो सिनेरियो नेगेटिव है, वीकली में देखा जाए तो हल्का सा पॉजिटिव है, क्योंकि इसने इस ट्रेंड एंड पर सपोर्ट ली है। अगर हम 1 डे में इसको देखें तो 1 डे में तो जो ये हमारी सपोर्ट की लाइन काफ़ी मंथ से बनती आ रही है, जो कि फरवरी में एक्टिव हुई थी, फरवरी से लेकर आज मई तक ये यहाँ पर सपोर्ट ले रही है। तो कल के लेवल्स बहुत इजी होने वाले हैं, तो हमने कल के लेवल्स के लिए कुछ नहीं करना। तो हमने नॉर्मली 15 मिनट के चार्ट पर जाना है, 15 मिनट के चार्ट पे हमने आज का हाई और लो ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लो ये है और आज का हाई ये है। अगर मार्केट इन बिटवीन कल ओपन होती है यहाँ पर कहीं और 48,000 का लेवल अपसाइड को ब्रेक करती है तो हम कॉल बाय करेंगे। अगर कल मार्केट 47,300 का लेवल डाउनसाइड में ब्रेक करती है तो हम पी को बाय करेंगे।
ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे लेवल्स। तो अभी तक जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वह चैनल ज्वाइन कर सकता है, और अगर इन बिटवीन ओपन होकर, अगर इन बिटवीन ओपन नहीं होती, गैप अप और गैप डाउन ओपन होती है, तो मैं उसी हिसाब से कल आपको टेलीग्राम पर कोर्स दे दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।